अभी जैसा कि हमने बोर्ड पे भी देखा था, जैसा कि जब तो हमें पता चला यार, जब तो हम बोल रहे हैं 10 किलोमीटर है। तो जीतू भाई, आपको कैसा लग रहा है भानगढ़ जाके? आज आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो भानगढ़? दिल की धड़कन तेज होती जा रही है। आज हम लोग फर्स्ट टाइम भानगढ़ जा रहे हैं सारे के सारे। देखो यहाँ की धड़कने यहाँ की धड़कने ओके ओके ब्राउन मुंडे खाली खाली वहाँ भाई भाई भाई। तो गाइस ब्लॉग में बने रहिए, आपको दिखाते हैं वहाँ पे। घर भी नहीं है, देख मकान भी नहीं है, तो अभी तो दूर है। तो ठीक है गाइस, बने रहो ब्लॉग के साथ। देखो गाइस, ये हमारे दोनों कांप रहे हैं, ये हमारे दोनों ये सोनिया जी और दीपक जी। सोनिया की हालत देख लो, डर से कैसी हो रही है। और मैं सो रहा हूं, मेरे को मजा आ रहा है सीरियसली। तो अभी तो हम गाइस रास्ते में हैं और देखिए लोकेशन, देखिए आप लोकेशन तो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन यहाँ से थोड़ा डरावना इलाका भी स्टार्ट हो गया। नीचे बंदर भी है और देखो कितने सारे बंदर हैं। अरे मतलब नीचे बंदर है, इसलिए गाड़ी के नीचे बंदर। तू कैमरा में देखो करे ना, तू खड़े खड़ा के ले जा वाइड एंगल में बड़ा। लोकेशन बहुत ही अल्टीमेट है। और देखिए अभी से डर लगना लग गया है, और डर लगने लग गया भाई, क्या पता नहीं क्या होगा। अंदर घुस गई तो गाइस हमने क्या भानगढ़ की स्टोरी भी सुन ली है। तो ये देखो इनको डर के वजह से कांप रहे हैं दोनों। डर के मारे कांप रहे हैं, देख लो दीपक तो ज्यादा है। प्राचीन स्थल भानगढ़, तो यहाँ से 10 किलोमीटर है। तो स्टार्ट हो चुका है भानगढ़ का रास्ता। रास्ता तो पहले से स्टार्ट है, लेकिन मतलब थोड़ा मतलब यहाँ से 10 किलोमीटर रह गया। 10 किलोमीटर रुको, तो फॉर्च्यूनर आ रही है सामने से। तो गाइस ये भानगढ़ शायद कंफर्म तो नहीं, लेकिन ये भानगढ़ गांव आ चुका है और किला जस्ट सामने ही है। तो बस पहुंचने वाले हैं 5 या 10 मिनट में। व्यू कितना अच्छा है यहां का, व्यू देखिए बहुत ही शानदार है। सामने आ गया नारगढ़, और बारिश का टाइम है यहां पे, बहुत अच्छा सीन होता है। लेकिन अभी भानगढ़ मैं क्या है, नारगढ़ जाता रहता हूँ अधिकतर, तो मुझे नारगढ़ का सीन समझ याद रह गया। भानगढ़ यहाँ से पिक्स नेट 1 किलोमीटर दूर है, और हमारी गाड़ी यार गाड़ी कैसे बंद हो गई यार, क्या हुआ? गाड़ी बंद हो गई ऑटोमेटिक, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अभी से डराना स्टार्ट कर रहे हो तुम यार, ये क्या कर रहे हो? मतलब गाड़ी बंद हो गई वापस से? नहीं सीरियसली में गाड़ी बंद हो गई। तुम एडिट करो जल्दी और क्या बस कर रहा हूँ यार, क्यों डरा रहे हो यार? चाबी घुमाओ, घुमा लेते थोड़ा उसमें वापस। भैया अब कई बार लास्ट होटल है यही, फिर आगे से बंद है सब कुछ होटल वगैरह, तो यहाँ रुके हैं कुछ लेने के लिए, आगे नहीं मिल पाएगा वरना फिर हमें। गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भानगढ़, पहुंच चुके हैं हम लोग भानगढ़। तो देखो यहाँ कितने बंदर है, कितने बंदर है। तो गाइस देखो कितने बंदर है यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा बंदर है। और लोकेशन देखिए आपको जैसा देखने को मिल रहा है, आप एंटर होंगे यहाँ से, एंट्रेंस है गढ़ का द्वारका। नहीं नहीं कुछ नहीं, हमारी बंदर जनता की
अभी एंटर नहीं होंगे, थोड़ा रुकेंगे, अब एंटर होंगे क्योंकि कुछ भाई लोग मिल गए हैं तो वो फोटोज ले रहे हैं, फिर उसके बाद ही एंटर होंगे। अब अच्छी बात ये है, अरे अच्छी नहीं मतलब बुरी बात ये है कि मैं पहले जब एक बार आए थे तो काफी भीड़ थी और अभी यहाँ पे कोई नहीं, मतलब बहुत परेशान लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही कम। मेरे को नहीं लगता कि अंदर रश होगा तो यहाँ से कुछ निकल रहा है। देख सकते हैं कितने खंडा मतलब पहले की पुरानी दुकान है ये। पुरानी दुकान है, मार्केट में करता था पहले यार, फिर डिस्क्राइब करूं ना तो वीडियो ज्यादा जानकार से मारो मन आए कदे क्योंकि आओ। तो गाइस जैसे कि दिख रही है यहाँ पे टूटी टूटी सी चीजें, ये यहाँ के पहले मार्केट बताया जाता था कि जब राजा महाराजा का टाइम था तो ये यहाँ पे पहले मार्केट हुआ करता था। तो जो भी सीन यहाँ पे बताए जाते हैं कि वो भूत वगैरह का जो सीन है उसके बाद यहाँ पे सब बंजर हो चुका है। और इधर और सामने जो दिख रहा है वो किला है, तो अब हम किले पे जा रहे हैं तो आपको किला दिखाते हैं और अंदर मंदिर भी है तो आप लोगों को मंदिर भी दिखाते हैं और बीच में और क्या क्या सीन है तो वो सब दिखाते हैं। तो यहाँ पे इसको पढ़ के बताओ, दीपक जी पढ़ेंगे इसको, दीपक में पढ़ के सुनाओ। नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, ये वीडियो में ले लिया हमने तो जो भी हमारे व्यूअर्स पास से लीजिए वो आराम से पढ़ सकते हैं इसको, इसको जो रोक के आराम से पढ़ लेना पॉज करके। इंग्लिश हिंदी बट देयर इज नथिंग लेफ्ट रेदर देन दिस वॉल्स, समथिंग मस्ट हैव डन हियर, समथिंग सो वास्ट एंड समथिंग सो हॉरर। देखो यहाँ पे कैसी कैसी आवाज आ रही है। तो अभी हम जाने वाले हैं महल में, जो मेन ये महल है यहाँ का, इसमें देखते क्या होता है, क्या जो बातें थी जो लोगों द्वारा बताई जाती थी कि यहाँ कुछ भूत की हरकतें कैद हुई थी। इस महल के बारे में ये बताया जाता है कि यहाँ पे अंदर जाने के बाद में सिर्फ महसूस होता है कुछ हवा ऐसे, तो हम देखते हैं कि हमारे साथ भी सब जाने वाले हैं तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। कर दो थोड़ा पास ही रहो। तो गाइस हम एंटर कर चुके हैं अंदर और हमारी धड़कने थोड़ी सी बढ़ गई है, देखते हैं। तब ये द्वारकी है काम में लग गई। So we are about to enter this horror fort for real. Let's see what we heard about those paranormal activities that are true or just myth. दीपक भैया यार ये क्या है, यहाँ पे खून वगैरह लग रहा है जी, फिर ब्लड है, लग तो खून ही रहा है। इसके हाथ कौन लगाएगा, अरे मतलब
नहीं हाथ हाथ मत लगाना कुछ भी ब्लड पता नहीं ये लेकिन खून तो क्या किसी का लगा होगा अरे यहाँ पे भी लग रहा है नहीं 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 ब्लड नहीं हो सकते ये भी तो हो सकता है किसी को यहाँ से मार के इधर फेंकते टाइम पे यहाँ पे टच हो के नीचे गिर गया यहाँ से मार के कौन फेंकेगा रात में किसी को मार के फेंका लिए कलर है शायद खून नहीं है कलर ही है तो अभी हम महल के अंदर एंटर हो चुके हैं ये गेट थे पहले पुराने गेट थे लेकिन उनको शायद लगा दिया उन्होंने ये गेट लगवाए जो और उनकी हालत खराब हो चुकी है तो बैठ जाओ थोड़ी देर बैठ जाओ तो गाइस मैं यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ ये देखो ये देखिए कितना प्यारा व्यू यहाँ से दिखाई दे रहा है तो ये भी व्यू देख लीजिए आप बहुत ही शानदार व्यू है ये ऊपर से है और ऊपर भी एक मंदिर बना हुआ है जो है ना और इन सीढ़ियों से चढ़ते हमें इनकी सीढ़ियां भी गेट लगा दिए पहले गेट नहीं थे इस सीढ़ियों से चढ़ते जो सीढ़ियों के बाजू जस्ट खड्डा दिख रहा है वो खड्डा पूरा नीचे जाता है मतलब सीन ऐसे है कि अगर गलती से कोई हल्का सा अंधेरा कोई दिखे ना तो पूरा नीचे जा हाथ पे टूट जाए इसकी हकी गलती है मैं खुद गया हुआ इसके जस्ट इसके ये पूरा नीचे जा रहा है वो खड्डा कुछ भी नहीं मतलब दिख नहीं रहा पता नहीं कहाँ जा रहा है पूरा खड्डा नीचे जा रहा है वहाँ पे अब ये गेट है ना अभी नए लगाए पहले नहीं लग रहे थे ये अभी लगाए नए तो इस खड्डे की बात की जा रही है या तो कुछ ये जो खड्डा है लेकिन देखो ना कैसे बना रखा है इन्होंने एकदम से कोई चढ़ के आया ना तो डायरेक्ट नीचे जाए इसमें तो देखिए बाद नाश नहीं प्लेट लगे खंडर बन चुका है अब ये पूरी तरीके से वरना एक जमाने में बहुत ही अच्छा महल हुआ करता था ये तो यहाँ खाली इसकी जो कुछ इमारतों के अवशेष बचे हुए हैं चलते हैं और जीतू भैया अपन ने ना दीवारों के कान लगा के सुनने की कोशिश करते थे कि अपने को कुछ महसूस होता है बहुत बार सुना है यहाँ पे ना दीवारों में से ना आवाज आती है जरूरी है क्या सुनना अपने को आगे सुनना ही पड़ेगा There is a saying that these walls have sounds in them. Like when you please your ear or try to feel the sound, you can hear it. Let's try. अपना यहाँ पे से बोलते हैं यहाँ पे दीवार में आवाज आती है जीतू क्या देखे ट्राई महसूस करो कि आवाज आती है या किसको भी कुछ फील होता है मुझे खुद की हार्ट बीट सुनाई आ रही है शायद हाँ धक 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 मेरे हिसाब से फट रही है इसलिए हार्ट बीट सुनिए इधर आओ सोनिया सुनो सुनो कान लगा सोनिया को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है और ये क्या है डर क्या बात है निकलो निकलो आ जाओ जीतू पे आ जाओ निकलो निकलो आराम से आलू पत्थर है
तो अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ चुके हैं इसमें, और हाँ रास्ता है आगे, रास्ता है। तो ये बहुत ही ज्यादा गहरी खाई है, मतलब काफी ऊंचाई पे हम लोग, अगर यहाँ से गिरे तो सीधा हाथ पैर मतलब जान भी जा सकती है। हम तो सर आप इधर रहिए, ऐसे गिरेंगे नीचे, लेकिन हम जाएंगे फिर उसके बाद ऊपर सीधा, टिकट ऊपर का। तो यह पूरा पहाड़ी इलाका है, देखो देखो अभी है ना, जूम करके देखो, अपन वहाँ चलेंगे, जो पानी पानी दिख रहा है ना। अच्छा अच्छा, वहाँ चलेंगे अभी अपन, वहाँ का कुछ अलग ही सीन बताते हैं लोग, तो अपन आज वहाँ चल के देखते हैं। वहाँ पे कोई नहीं गया, लेकिन अपन चलेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन दो तो गैस, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे ब्लॉगर रात का यहाँ पे शूट करते हैं, तो ये सारी तरफ पहाड़ है, आगे मेन पूरा मतलब कवर हो रखा है, तो वो लोग ऐसे करते हैं कि उधर पहाड़ पहाड़ से आते हैं। पता नहीं एक ब्लॉगर का नाम याद आ नहीं रहा मेरा, उसके ऊपर केस हुआ था, तो वो इस वाली साइड से आता, पीछे कोई गाँव है, तो उन वो इन पहाड़ों को क्रॉस करके इधर से आया था, उसका ब्लॉगर का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, याद भूल गया मैं। मोस्टली लोग है ना पीछे के गाँव से पहाड़ क्रॉस करके आते हैं जो ब्लॉग वगैरह बनाते हैं, लेकिन ऐसा ट्राई करना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर वो ब्लॉग डालेंगे तो उनके खिलाफ़ FIR वगैरह कुछ भी हो सकती है, और काफ़ी ज़्यादा जान को भी रिस्क है वहाँ पर, तो ऐसा कोई ट्राई नहीं करें, इतना बाकी हार्ड वर्क ऐसा कोई ट्राई नहीं करें। दिन में आ जाओ, वही बहुत कुछ तुम्हें देखने को समझने को मिल जाएगा यहाँ पर, जैसा कि अभी हमारे साथ होता होता बच्चा, तो दिन में आओगे तो ही बहुत सारी चीज़ें दिखने को मिल जाएगी। जीत गया, नीचे आ जाओ, अड्डी आ जाओ, अड्डी खड़ा मत रहो, लोग वायरल करवा रहे हो हमारा लोग वायरल ही हो जाएगा सही। तो गाइस आज अब हम इसके अंदर जा रहे हैं, कोई नहीं जाता, गार्ड मना कर रखा है कि इसके अंदर जाना। अरे भैया फिर क्यों रिक्स ले रहे हो फोगाटी, ट्राई करते हैं एक बार। और सोनिया दीदी रेडी हो गई तो फिर हम कैसे पीछे बैठ सकते हैं, देखो चले। हाँ चलो चलो, आराम से चलना, सब बोल रही यहाँ पर ड्राउनी जगह, लेकिन सब मना भी तो कर रहे ना कि नहीं जाना। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, तो यहाँ पे इत्र कौन लगाता है मुझे ये समझ नहीं आता। आगे आप चलो, आप इस साइड पे क्या है, आराम से, बहुत ही ज्यादा अंधेरा है यहाँ। चलो चलो, अच्छा ऊपर भी कुछ है क्या अभी? हाँ अंधेरा है बिल्कुल, देखो आराम से आराम से। आप भी आओ ना, मैं तो नहीं आ रहा, मेरे हाथ में वापस आओ, और कुछ है, चलो तो गाइस मतलब अभी हम जिस जगह गए थे पता नहीं क्या, मतलब मेरे को तो नहीं पता, इन लोगों से मना कर रहा था, ये लोग मान नहीं रहे थे। एक बार शूज भी खोल के देख लो, तो गाइस मतलब अभी अंदर गए थे तो पता नहीं इन लोगों क्या कुछ दिखाया क्या नहीं। सोनिया दीदी के पैर पे थोड़ी मोच आ गई है, और अब ये हो गई है टेंशन वाली बात, अच्छे खासा चल रहा था मैं इन लोगों से।